नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भगवत मेहरा। विकास और परागण में क्षेत्र के प्रधान वीडीसी गणमान्य लोगों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए देवंद विधायक कुंवर ब्रजेश ने कहा कि सरकार बने 100 दिन बीत चुके हैं। योगी सरकार ने अपराधों पर सिकंजा कसा है, 86 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं, देहात क्षेत्र में 18 घंटे बिजली की व्यवस्था लागू की गई है। वहीं ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रत्येक पात्र घर में शौचालय बनवाकर खुले में शौच जाने से मुक्ति दिलाएंगे। सरकारी अस्पतालों में 18,000 चिकित्सक संविदा कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष कुशलपाल सिंह ने कहा कि आज भी अधिकारी कर्मचारी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। इस दौरान बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजेंद्र चौधरी व कार्यक्रम का सफल संचालन सीपी सिंह ने किया। सहारनपुर के नागल से अशोक रोहेला की रिपोर्ट। आज जो मीटिंग हुई है, उसमें जो बता देना चाहता हूं। आपने कहा, प्रमुख साहब ने मुझे भी कहा, पीएचसी है, पीएचसी में 2 डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन डॉक्टरों की जहां तक बात है, मेरे स्वास्थ्य मंत्री ने परसों बयान दिया है कि प्रदेश के अंदर 18,000 डॉक्टरों की कमी है। क्या वो डॉक्टरों की कमी हमारे कारण है क्या? हम तो अभी केवल 100 दिन में आए हैं। जिनके हाथों में सत्ता 14 साल रही है, उन्होंने किया क्या, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। मेरी सरकार आई है, मेरे स्वास्थ्य मंत्री का परसों का बयान पढ़ लीजिए, सीधा सीधा आदेश उन्होंने दिया है कि हम 18,000 डॉक्टर संविदा पर रखेंगे और हर अस्पताल के अंदर डॉक्टर उपलब्ध होगा। ये सरकार की प्राथमिकता है। और अन्य विभागों से सभी अधिकारी आए थे, सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को सभी अधिकारियों को मेरे माध्यम से चिट्ठी के द्वारा अवगत भी कराया जाएगा और उन्हें यहाँ पर भी अवगत करा दिया जाएगा। जो भी समस्या आई हैं, उनका समय से निस्तारण करा जाएगा।